बड़ी खबर अशोकनगर से निकल कर आ रही है। डैम के गेट खोले गए हैं। रानी लक्ष्मीबाई राजघाट डैम के 18 गेट खोले गए। 4 लाख क्यूसेक पानी यहां से छोड़ा जा रहा है। पुल के 20 फीट ऊपर से पानी बह रहा है। यूपी से अशोकनगर का संपर्क टूट चुका है। ललितपुर मार्ग बंद हो गया है। निचले इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। तो नर्मदा अपने उफान पर है। नर्मदा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये तस्वीरें देखिए, डैम के गेट खोलने के बाद पानी का ये विकराल रूप है। 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है। निचली बस्तियों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। अशोकनगर का उत्तर प्रदेश से संपर्क कट चुका है। संतोष जुड़ गया है हमारे साथ। संतोष, क्या हालात है अभी निचली बस्तियों में? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये 18 गेट है रानी लक्ष्मीबाई राजघाट डैम के अंदर, जो पूरे 18 के 18 गेट खोल दिए गए हैं और 4 लाख क्यूसेक मीटर क्यूसेक पानी इस डैम से इन गेटों के माध्यम से छोड़ा जा रहा है। जो निचली बस्तियां हैं, निचले गांव हैं, उनमें अलर्ट हाई अलर्ट जारी किया गया है। कई गांवों में थोड़ी सी बरात की स्थिति बनी है, लेकिन उसको भी प्रशासन अपनी पूरी पैनी नजर बनाए रखे हुए। कुछ लोगों को गांव से बाहर निकाला गया है, गांव खाली कराए गए हैं। कुछ लोगों को गांव खाली करने के लिए बोला गया है। और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच में बना ये पुल है, इसके पूरा तरीके से संपर्क खत्म हो गया है। ललितपुर के लिए जाने वाला रास्ता पूरी तरीके से बंद हो चुका है। पुल के करीब 20 फीट ऊपर से पानी निकल रहा है। चलिए, शुक्रिया संतोष जानकारी के लिए। अशोकनगर का यूपी से संपर्क टूटा है। निचली बस्तियों में अलर्ट जारी है। अशोकनगर ललितपुर मार्ग बंद कर दिया गया है। फिलहाल प्रशासन सतर्क है।